हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पार्टी रोड, स्मालखा। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 5th मैथ्स, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फॉर्म इज दैट फॉर्म विच हैव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एन अपॉन डी। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड डी स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, क्लियर? So we have types of fraction. We have some types of fraction. First is like fraction. What is the meaning of like? Like means same. So like fraction is that fraction which have same denominator. Jinka denominator kya hoga? Same hoga. Like 2/3, 4/3, 5/3, 6/3, etc. Clear? Second is unlike fraction. Unlike is just opposite to the like fraction. In this type of fraction, denominator have different values and denominator is vary. 1 upon 2, 1 upon 4, 8/9, 3/8. सभी में क्या है? Numerator भी है and denominator भी है. But जो उनकी specific condition है वो जरूर fulfill करनी चाहिए उसमें, ठीक है? Next is unit fraction. What is the meaning of unit? Unit means one. So have different denominator and one numerator. Denominator कुछ भी हो, whatever, कुछ भी value हो सकती है, but condition is that numerator must be one. Clear? So 1/5, 1/7, 1/2, 1/10, 1/16, etc. Clear? Now proper fraction. Proper. In this type of fraction, numerator is always less than denominator. That means न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो छोटी होगी, स्मॉल वैल्यू होगी एज कंपैरिजन टू द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्लियर है? न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है? लाइक 4/5, 5/9, 3/8, 20/27 एटसेट्रा, क्लियर? नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इज जस्ट अपोजिट टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इन दिस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, और इसके लगते ही नीचे इसको क्या बोलेंगे? इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी? बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। और एक कंडीशन क्या है? इक्वल भी हो सकती है। दोनों कंडीशन किसके लिए हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, क्लियर है? सो 5/4, देखो 5 इज लार्जर देन 4, यही हमने अभी पढ़ा था। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 9/9 इक्वल टू वाली कंडीशन है। 8/3, 27/20, 11/6 एंड 9/7 एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, नंबर 6। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड इज बेसिकली किसी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है? इम्प्रॉपर की ही, इसी को आगे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप देखोगे ना, इसमें टू पार्ट्स हैं। देखो, एक पार्ट होता है होल नंबर, ये जो ये वन दिख रहा है आपको आगे, ये होल नंबर होता है। और जो ये 2/7 होता है, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म दिख रही है आपको, दैट इज यस व्हाट दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, इसके टू पार्ट्स होंगे। एक हमारे पास होता है होल नंबर और दूसरा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? और ये किससे बनता है? ये इम्प्रॉपर से बनता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, तो उससे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, क्लियर? वन, इसको रीड कैसे करते हैं? 1/2/7, 1/3/5, 2/3/4, 4/5/7 एक्सेट्रा, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर चैप्टर फ्रैक्शनल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। डू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर योर नोटबुक लाइक दिस विथ प्रॉपर गैप, ठीक है? नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपका। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।